हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मैम आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, कौन सा स्क्रब यूज़ करते हैं, कौन से नाइट क्रीम लगाते हैं, कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। हर चीज़ को लगाने का एक अलग रीज़न है, मौसम पर डिपेंड करता है कि क्या स्किन केयर होगा, साथ साथ हमारी स्किन पर क्या, किस टाइम पर क्या कंडीशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ लगानी चाहिए, कब हमें कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। सारी चीजें मैं आपको एक मतलब के साथ, एक रीजन के साथ बताने वाली हूं। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हां, आप हमेशा की तरह बोलेंगे मैम आपने प्रोडक्ट दिखाए लेकिन आपने लिंक नहीं दिया, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब चीजों का लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको माई होल स्टोर के नाम से एक लिंक दूंगी, वहां से आप उस पर क्लिक करके इन प्रोडक्ट को जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूं जो मैं अभी रिसेंट यूज कर रही हूं, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, है प्लम का नाइट जेल जो कि ग्रीन टी का है। अब बात आती है कि इसको यूज करने का रीजन क्या है। देखिए, मेरी स्किन है बहुत ज्यादा ऑयली, छोटे मोटे एक दो दाने एक्ने वैक्ने निकलते रहते हैं, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रात को मैं क्या लगाऊं, कोई ऐसी नाइट क्रीम भी। मैंने थोड़ी देर पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक मैंने नाइट क्रीम जो है मंगवाया, उसको लगाया, उससे मुझे पिंपल्स और ज्यादा निकलने लगे। तो अगर आपकी स्किन एक्ने वाली है, पिंपल्स आपको होते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आप प्लम का ये जो नाइट जेल है ग्रीन टी वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, दोनों के लिए बहुत अच्छा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। आपको करना क्या है, ओपन करना है, इस तरह से आपको इसमें से जेल लेना होता है, और उसमें से जेल लेके आपको 5 डॉट्स में अपने फेस पे लगाना है। एक नोज पे लगाएंगे, 2 चीक्स पे लगाएंगे, 1 फोरहेड पे लगाएंगे और 1 चिन पे लगाएंगे। और लगाने के बाद आपको करना है अच्छे से मसाज, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। और इस तरह से आपको रात को सोने से पहले इसको यूज कर लेना है, ध्यान रखना है आपको अपना चेहरा पहले वॉश कर लेना है, उसी के बाद से आपको ये जेल लगाना है। तो इस तरह से आपने कर लेना है यूज, और आपको सो जाना है। सुबह आपको बहुत ही अच्छा खिला हुआ आपका चेहरा मिलेगा, आपके फेस को रिंकल से बचाएगा, आपकी स्किन पे दाग धब्बों को खत्म करेगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए फायदा करने वाला है। और दोस्तों, सेकेंड चीज जो मैं यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी स्किन पे स्क्रब करना। अगर आप स्क्रब नहीं करते तो आपकी स्किन की जो डेड स्किन जो है आपकी, वो नहीं निकल पाती। तो मैंने मेरे लिए मंगवाया है पिलग्रिम का स्क्रब। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसमें दिया भी गया है, बाकी मैं आपको बता भी देती हूँ। जो टैनिंग हो जाती है, धूप में हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं ना, तो उसकी वजह से कई बार काले काले दाग हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाता है, फेस पे हो जाता है काले दाग धब्बे। स्किन टैनिंग खत्म करेगा, ब्लैक हेड्स सभी को होते हैं, नोज एरिया पे हो जाता है ना, चिन एरिया पे, फोरहेड पे भी कभी कभी हो जाता है, आपके ब्लैक हेड्स रिमूव करेगा, टैनिंग खत्म करेगा, साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट्स पिगमेंटेशन, ये आपके फेस को पिगमेंटेशन यानी कि झाइयों से भी बचाता है, झाइयों को भी खत्म करता है। स्क्रब करने का तरीका आपको पता है, आपको थोड़ा सा स्क्रब लेना है, 2 मिनट तक आपको आपके चेहरे पे स्क्रब करना है अच्छे से सर्कुलर मोशन में, उसके बाद से आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धो लेना है, ठीक है जी। अब तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा मेरी फेवरेट जो हो जाती है, वो आ जाता है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का, द बॉडी शॉप का बॉडी बटर। और बॉडी बटर के बिना तो दिन अधूरा रहता है, खास करके सर्दियों में, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल है। बॉडी बटर में मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का, द बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी बॉडी बटर। आपको बॉडी बटर लेना होता है जैसे कि आपको पता ही होगा, और आपको अपने पूरे बॉडी पे इसको लगा लेना है, बहुत ही अच्छा आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चर देता है, और आपकी स्किन एकदम खिली खिली होती है। और पूरा दिन एक बार लगाया तो स्किन बिल्कुल चमकदार रहती है, मुलायम रहती है, ड्राइनेस खत्म होती है, बहुत ही अच्छा आपको फील होता है, लगता है कि हाँ कोई बहुत अच्छी सी चीज़, डिसेंट सी चीज़ आपने लगाई है, ठीक है जी। एक मैं ये यूज़ कर रही हूँ बॉडी बटर द बॉडी शॉप का। इसके बाद से जो बालों को कैसे भूल सकते हैं, बाल हमारे कई बार क्या होते हैं, शैम्पू कर लिया ऐसे झुंडों की तरह उखड़े उखड़े बाल रहते हैं ना, खड़े खड़े रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल डिसेंट से रहे, सॉफ्ट सॉफ्ट रहे, एक जगह टिके रहे ना, और ऑयली ऑयली भी ना हो, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद तो मुरझा जाते हैं। तो मैं जो है हेयर सीरम का यूज करती हूँ, जो कि मैंने लोरियल का परचेज किया है। लोरियल का जो सीरम होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बालों में लगाने के लिए। इसको लगाते ही ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट आपके बाल हो जाते हैं, और बिल्कुल उड़े उड़े नहीं लगते जैसे कि आप शैम्पू आपने किया, और जैसे छोटे छोटे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, वो सारे शांत हो जाते हैं। तो सीरम भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब मेरा जैसे स्किन केयर हुआ, मेरे घर में छोटा बच्चा है, तो मैं ये सारे प्रोडक्ट उसको तो नहीं लगा सकती, जैसे मैंने भी सेम बॉडी बटर मॉइस्चराइजर लगाया, बेबी को भी लगा दिया,
तो मैं मेरे बेटे के लिए मैंने मंगवाया हिमालय का बॉडी लोशन। बच्चों के लिए ये वाला ब्रांड काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है जी। तो मेरे बेबी के लिए मैं ये वाला लोशन यूज़ करती हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया है। क्या होता है ऑनलाइन शॉपिंग करने से, जैसे कि आपको जो उस टाइम पे डिस्काउंट होता है ना, टाइम टू टाइम मिलता रहता है, बाकी मार्केट में तो जो है MRP है ना, उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद लड़कियों की सबसे फेवरेट वाली चीज़ क्या, नेल पेंट। नेल पेंट मैंने 3 मंगवाए हैं, तीनों के कलर बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक से रखे हैं, जो मेरे पास नहीं थे वही कलर मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किए। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया है, पर्पल कलर का है, मिनीशो का नेल पेंट, बहुत बहुत ही अच्छा इसका कलर मुझे लगा, बहुत डिसेंट सा लगा। मेरे पास ये वाला कलर नहीं था, पर्पल था लेकिन इससे डार्क था, और ये भी बहुत ही अच्छा है, एक बार में अच्छे से आपके नेल को जो है कवर करता है। इसके बाद से जो दूसरा नेल पेंट मैंने मंगवाया है वो है पैरेट कलर में, किथ एंड कीन का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला कलर भी मेरे पास नहीं था, बहुत ही डिसेंट सा अलग सा कलर है ना, जैसे अब समर आने वाला है तो अच्छे अच्छे कलर के साथ प्ले करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट लाइट कलर के जो है नेल पेंट लगाओ, फ्लोरल प्रिंट वाली कुर्तियाँ, कितना अच्छा लगता है ना। और इसके बाद तीसरा येल्लो कलर का नेल पेंट मैंने मंगवाया, 9 to 6 कट ऑफ मेड इन पेरिस नेल कलर, ये तो मैंने लगाया भी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो ये 3 नेल पेंट हो गए, और इसके बाद क्या कुछ बचा है क्या, हाँ जी, और एक जो है मैंने ये लिपस्टिक मंगवाया है, ये है हुड्डा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक है, पिंक इसका कलर है, मैंने लगाया भी हुआ है ना, यही वाला लिपस्टिक आप बोलते हैं ना, मैं अपने कौन सा लिपस्टिक लगाया उसका लिंक दो, तो ये लिपस्टिक मैंने लगाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।